मध्य प्रदेश के सियासी रण में बुलडोजर वाहन के बीच अब ट्रैक्टर की भी एंट्री हो गई है। ग्वालियर चंबल में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह द्वारा ट्रैक्टर से जनाक्रोश यात्राओं की रैली के बाद छतरपुर पहुंचे अरुण यादव द्वारा भी ट्रैक्टर पर जनाक्रोश यात्रा निकाली गई। लिहाजा आज दमोह जिले के हटा में भी कांग्रेस नेताओं द्वारा किसान अधिकार रैली में ट्रैक्टर वाहनों का प्रयोग किया गया। बड़ी संख्या में ट्रैक्टर पर सवार होकर कांग्रेस नेता हटा शहर के मुख्य मार्गों से होकर अनुभागीय अधिकारी कार्यालय SDM हटा के समक्ष पहुंचे और विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आदरणीय पटेरिया जी के आदरणीय विधायक जी टंडन जी हैं, उनके नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं के वानदा जी हैं, खटीक जी हैं, के नेतृत्व में किसान अधिकार रैली का आयोजन किया गया है। और यह सबको मालूम, किसान इस देश का अन्नदाता है। किसान को दूसरा भगवान कहें तो छूट नहीं होगी, क्योंकि हवा पानी भगवान देता है और अन्न अगर देता है जीवन रखने के लिए, बचाने के लिए, तो इस देश और प्रदेश का किसान देता है। लेकिन जो अन्नदाता है, जीवन भरने वाला है, वही अगर उपेक्षित रह जाएगा, अगर उसका विश्वास टूट जाएगा, अगर उसको अपना हक और अधिकार नहीं मिलेगा, तो टूटे हुए विश्वास से किसी भी देश की प्रगति और विकास नहीं हो सकता। इसलिए देश के प्रगति और विकास के लिए जरूरी है कि किसानों के विश्वास को मजबूत किया जाए। दुर्भाग्य से हमारे गरीबों के विश्वास को हासिल करके, ठग करके जो है इस देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बैठी हुई है, वो किसान विरोधी सरकार है, वो पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के इशारे पर उनके फायदे के लिए काम करती है और किसानों के लिए केवल अच्छे अच्छे नारे देती है। लोग यही आह्वान कह रहे, किसान अब उस चीज़ को समझे और हमारे प्रदेश का भी किसान अब समझ गया है कि इनके कथनी और करने में कितना अंतर है। ये बात तो किसान की करते हैं, बात गरीब की करते हैं, बात पिछड़े की करते हैं, बात दलित की करते हैं, लेकिन काम इनके हक अधिकार पर डकैती डाल करके और इनके स्वाभिमान और सम्मान को कुचल करके ये पूंजीपतियों को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और इनकी जो अंतिम चाल है कि किस तरह से इस देश में पूंजीपतियों का राज कायम हो जाए, किस तरह से इस देश के मेहनत करने वाले लोग गुलाम बन जाए, इस खरीद में जो भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, इनके विश्वास को ठगने के लिए, खरीदने के लिए, देश को बेच करके, संपत्तियों को बेच करके, पब्लिक सेक्टर को बेच करके, ये अब इस प्रदेश के किसानों के समझ में आ गया है। और इसीलिए किसान आह्वान किया है कि हमारी बातों को, हमारी समस्याओं को सुलझाओ और अब तुम्हारी चाल को हम समझ गए, तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। इसी बातों को लेकर के ये जनाक्रोश रैली थे, आयोजन था, और आगे किसान अपने हक अधिकार के लिए, अपने लिए नहीं बल्कि इस देश के लिए, इस देश के संविधान बचाने के लिए, इस देश में कानून का राज कायम रहे, इसके लिए संघर्ष करेगी, आगे बढ़ेगी। भुराटा गांव में जो किसान ने आत्महत्या करी थी, उस आत्महत्या करने के बाद इस ज़िले के अंदर किसानों के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश था। उस आक्रोश को देखते हुए कांग्रेस के तमाम नेताओं ने मिलकर आज किसानों के अधिकारों की लड़ने की आवाज़ उठाई है। और हम लोगों ने प्रशासन और शासन से कहा है कि अगर 15 दिन के अंदर जिनकी फसलें खराब हुई हैं, जो नुकसान हुआ है, 25,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा नहीं बांटा गया, तो 15 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा एक फिर बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेवारी समस्त शासन प्रशासन की होगी। भारतीय जनता पार्टी के राज में किसानों की आत्महत्या जितनी हो रही है, मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में नंबर वन है। किसान पुत्र कहने वाले शिवराज सिंह जी से कहना चाहता हूँ कि चुनाव में वोटें तो मांगना लेना चाहते हो, लेकिन किसानों का हक भी देना सीख लो। किसान अधिकार रैली के दौरान आज हटा में कांग्रेसियों की ट्रैक्टर रैली चर्चा का केंद्र रही। इसमें खास बात यह रही कि दमोह विधायक अजय टंडन ट्रैक्टर चलाते नजर आए, वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता राजमणि पटेल, पूर्व मंत्री राजा पटेरिया सहित कई जनप्रतिनिधि ट्रैक्टर पर सवार होकर SDM कार्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेसियों ने एक ज्ञापन किसानों और बेरोजगारों युवाओं के पक्ष में दिया। सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए 15 दिन की प्रशासन को अवधि दी, अन्यथा की स्थिति में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। चुनावी समय है, दोनों ही दल अपने अपने विकास कार्य, वादे और आरोप लगाते हुए जनता के सामने लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के समय ही आने वाला समय अब यह तय करेगा कि जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है। नरेश मिश्रा, IBC 24, हटा।